राइड करने का टाइम आया तो तू निकल गया उधर। लेके क्यों जाऊंगा मैं, तू छोटा बच्चा है क्या? बेटा आया, बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, क्यों बंद करना? पागल हो गया बॉबी, मैं बोला भाई क्या बोल रहा हूँ, तेरे काम तेरे भाई मानता था। सो एक इसमें क्लिक बैट नोट वाली रॉक लामा, सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी एक दो दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, बिकॉज जैसे मैं सिक्किम का राइड करके मैं सिलगुड़ी आना का, इस पूरा का पूरा तबीयत खराब, यानी कि अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ, बट ठीक होना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। दवाई नहीं लिया हूँ, दवाई लेंगे, कल रात को दवाई लिया था उससे थोड़ा वो ठीक हुआ था, पर ये सिलगुड़ी के गर्मी से फिर से हालत खराब हो रहा। एंड खुशी का बात ये है गाइस, फाइनली आपका भाई घर जा रहा है आज। एंड या गाइस, लद्दाख सीरीज जो है डेट 6 जून स्टार्ट होने वाला है अपने होम टाउन से। हम 3 लौंडे जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं मैं आपको बाद में बता दूंगा। और लद्दाख के लिए ना मैंने कल परसों ही सारा का सारा शॉपिंग कर लिया था, क्या क्या किया हूँ मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी जो है एज वैकेंसी यहाँ पे एक बूट ले लिया हूँ राइड के लिए। और हाँ गाइस, हम लोग खाली लद्दाख नहीं कर रहे, हम लोग ना लद्दाख स्पीति और केदारनाथ बाबा का भी दर्शन करेंगे। सबसे पहले तो लद्दाख से पहले ना हम लोग केदारनाथ एंटर करके दर्शन करके ही हम लोग लद्दाख जाएंगे। आई एम सो हैप्पी कि ड्रीम्स कम्स ट्रू गाइस, एंड मैं और भी बहुत ही खुश हूँ कि एक महीनों बाद मैं अपने मम्मी और पापा को देखने जा रहा हूँ एंड अपने होम टाउन, एंड जाके एक दिन ही शायद हम लोग को टाइम मिलेगा, उसके कल परसों तो निकल जाएंगे लद्दाख। अभी का सीन ये है, अपना रॉकी को ना मैंने कॉल स्टार्ट वगैरह कर दिया हूँ। और एक बहुत बुरी खबर है गाइस, लाइक यू नो गाइस, मैं सिलगुड़ी से नेपाल गया था, नेपाल से सिक्किम गया था, एंड वहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बॉबी भैया को आपने क्यों नहीं लेके गया, क्यों नहीं लेके गया। अब वहाँ पे क्या हुआ ना, बॉबी मेरे ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा है ना, पिछले 3-4 दिनों से ना मेरे को धमकी वगैरह दे रहा है। पता नहीं, मैं तो उसको भाई की तरह मानता हूँ, पर उसको उसका क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज नेपाल ना मैं भी उसके साथ ही जाना चाहता था, बट वहाँ पे सीन ऐसा हुआ ना कि बॉबी का कुछ प्रॉब्लम से वो नहीं जा पाया, तो वो तो उसका मैटर है ना, उसमें मेरे साथ गुस्सा होने का क्या बात है, इतना अच्छा दोस्ती ना वो ख़त्म करना चाह रहा है। अभी वही बॉबी ने मेरे को बुलाया है, तो बॉबी से मिलेंगे, मार्केट में कुछ काम है वो भी निपटाएंगे, पता नहीं बॉबी क्या चाहता है आज, तो दोस्ती ख़त्म हो के रहेगा शायद। कॉल करता हूँ, रुको। हेलो, हेलो, क्या हुआ भाई, तू इसने पिछले 3 दिनों से मेरे को धमकी दे रहा है क्या, तेरे को नेपाल नहीं ले जाए बोल के तू ये सब बोल रहा है? तो मतलब क्या क्या हुआ, क्या तेरे को दुश्मनी किया मेरे से? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। तू अपना रास्ता देख, हम अपना रास्ता देखेगा। क्यों, क्या हुआ? बस हो गया भाई, हो गया। या तो तेरे नजर में हम खराब है तो अलग अलग ही रहा है कि नहीं? अभी ज्यादा तू बोलेगा, फिर उसको कुछ बोलेगा, फिर हम बोलेगा, फिर मिलेगा, फिर लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। चूहा भाई, तेरा शकल देखा है साला, मनुष्य चेहरा। मुझे ना बॉबी पहले से ही पता था ना, तू ना इतना खराब दोस्त है ना कि जिंदगी में कभी किसी का भी ना हो भाई। ए भाई, कभी ये ज्यादा नहीं हो गया? हाँ तो ज्यादा नहीं हो गया, तू धमकी क्यों दे रहा है तू मेरे को? भाई मिल के क्यों नहीं बात करता, चूहा का जैसा क्या फोन में बात कर रहा है? तेरे से क्यों मिले हम? तू मिल के बात करना भाई, क्यों ऐसा चूहा का जैसा फोन कर रहा है, जो भी कर रहा है मिल के बात कर, अकेले में फटता है क्या तेरा आने में? हाँ ठीक है, कहाँ कहाँ आए बोल, अब कहाँ है? अभी आ रहा है, रुक ना, तेरा गुदा गुदा नहीं निकला, मेरा नाम भी रोक ला मैंने। डरता है तो क्या, सिलगुड़ी में तू रहता है तो बोल के क्या, तू जो मन में आया तू मेरे को बक देगा, धमकी देगा तू? दम है ना, तो छूनर का जैसा बात मत कर, दम है तो यहाँ पे सामने सामने मैन टू मैन बैठ के बात कर, फोन में बकचोदी मत कर बच्चा कहीं। अरे मनोज चेहरा तेरा ना गांड तोड़ देगा, मिलूंगा ना अभी। अरे तो भाई आना, तो कौन किसका तोड़ेगा वो तो मालूम चली जाएगा ना। आना, तू लड़का लोग लेके बैठा है ना वहाँ पे? अरे हम अकेले बैठा है, चल ना, किसी को लेके नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो आ जाएगा लड़का। अच्छा, जरूरत पड़ेगा तो आ जाएगा लड़का। भाई भीड़ में चूहा आता है, चूहा शेर अकेला आता है, आ रहा हम तेरे से मिलने। अभी मैं आ गया ना तेरे से मिलने, तेरा गुदा गुदा निकल के ना सिलगुड़ी के कुत्तों को खिला दूंगा, वो भी नहीं खाएगा साला, इतना मनुष्य है तू। वो तो देखेगा ना कौन किसको खिला रहा है। रुक रुक, हम आ रहे, चल। आई डोंट नो गाइस, बॉबी हमसे क्या चाहता है और उसको ना हमसे क्या दुश्मनी है, पिछले 3-4 दिनों से ना मेरे को धमकी दे जा रहा है, बोल रहा है मिल तेरा मैं गुदा गुदा निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब देखते हैं क्या कर सकता है भाई। बॉबी को हम इतना अच्छे दोस्त मानता है, आप लोगों को भी पता ही है वीडियो में कितने अच्छे थे, और हम लोग ना उसे भी रियल में थे, पर एक दो दिन में हम जो नेपाल ट्रिप सिक्किम ट्रिप किया ना, तो अभी जैसे लद्दाख ट्रिप करने वाला हूँ, उसका ना पता नहीं क्या जल रहा है,
क्या प्रॉब्लम है, क्या दुश्मनी, झगड़ा करना चाहता है? आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, देखना। बॉबी ने मेरे को विधान मार्केट में बोल के ना गाइस गुलमा में बुलाया है, और ये कौन से जगह पे बुला दिया आई डोंट नो, बट लुकिंग सो ब्यूटीफुल दिस प्लेस। या बॉबी ने जिस जगह पे बुलाया था गाइस वहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और ये जगह का नाम है गुलमा एजुकेंसी। एकदम पता नहीं ये इसे जगहों पे मेरे को क्यों बुलाया है, वो शायद आ ही रहा होगा, मैं वेट करता हूँ, ठीक है। बॉबी आ रहा, बॉबी आ रहा। क्या बोल, क्यों बुलाया? तू क्या चाहता है, तू मेरे से क्या सुनना चाहता है? ना उस दिन से तू धमकी पे धमकी क्यों नहीं देगा? हम धमकी नहीं दिया, बस समझाया है, समझा रहा है, धमकी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। धमकी क्या देगा तेरे को, तू खुद ही बच्चा है, तेरे को धमकी देगा तो चल मारेगा तो मर जाएगा तू। तो तेरे को क्या दुश्मनी, मेरे से दुश्मनी क्या है तू? जैसे कि मैं नेपाल गया, सिक्किम गया, तो उसमें तू क्यों जल रहा है भाई, तू मेरे से क्यों गुस्सा हो रहा है? प्रॉब्लम तो तेरा था, तू नहीं गया मेरे साथ, वो हमारा गलती है। शकल देखा है तेरा अपना, मनुष्य चेहरा, हाँ अभी तेरा गोदा गुदा निकाल के ना साला सिलगुड़ी के कुत्तों को खिला दूंगा। क्या दोस्ती खत्म करना चाहता है मेरे से? दोस्ती खत्म क्या, क्यों, क्या हुआ? अरे भाई मतलब तुम्हारे साथ में दिन भर हम रहेगा, सब चीज में हम सपोर्ट करेगा, सब चीज में हम बोलेगा चल भाई, तू जब बोलेगा भाभी ये काम है, भाभी वो काम है, सब जगह हम है। राइड करने का टाइम आया तो तू निकल गया उधर। हाँ तो राइड करने का टाइम में कैसे निकला भाई, तेरे को तो पूछ के ही निकला था ना मैं। मेरे को पूछ के निकला, मेरे को तो लेके तो नहीं गया। लेके क्यों जाऊंगा मैं, तू छोटा बच्चा है क्या? नहीं लेके जाएगा, क्यों लेके जाऊंगा मैं, क्यों लेके जाऊंगा? तुम्हारा मर्जी जब करेगा तब तुम आएगा, जब तुम्हारा मर्जी नहीं आएगा। तेरा कहने का मतलब क्या है, सारा राइड का खर्चा हम दे? कौन देगा, कौन देगा, क्यों देगा? मैं चैनल तेरा है, मतलब तू क्या चाहता है कि हम तेरा खर्चा दे? हम बोला तेरे को खर्चा दे। हाँ तो तू क्यों कैसे बोल रहा है कि हम तेरे, मेरे, मैं तेरे को लेके नहीं गया? नहीं नहीं, इतना दिन तेरे घर पे रहा था मैंने, उस टाइम भी रात को रात नहीं भाई, रास्ता हम प्लान किया, सब कुछ हम किया भाई, जितना जगह जाना था सब हम प्लान किया, सब नोट में लिख लिख के रखा, सब कुछ हम बताया। अब मान ले मेरे पास पैसा थोड़ा सा कम हो गया तो तू बोलता है हम नहीं नहीं नहीं, हम नहीं दे पाएगा तेरे को पैसा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता क्या, इतने साल से दोस्ती आ रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा। अरे वो एडजस्ट का बात नहीं है भाई, वो तो अपने दम पे चल रहा भाई, तेरे के साथ तो आगे भी वीडियो में भी मैंने दोस्त उसको नहीं बोलता दोस्त उसको बात, वो बात नहीं है ना भाई, हमारे पास नहीं है ना, क्या अम्बानी है तो अंबानी, अंबानी ना दे सकता है, हम तो अंबानी नहीं है, अपना घर है, मेरे को भी अपना घर देखना पड़ता है, बाइक का मेंटेनेंस देखना पड़ता है, अपना तो खर्चा देखना पड़ता है, तो सबका देखा भाई, तेरा क्यों देखूंगा, क्यों देख देखूंगा तेरे को? थोड़ी बोलेगा जब तेरा काम होगा तो तू दोस्ती यारी करने के लिए सब कुछ, तू भूल गया भाई, जब से घर से बाहर निकलता था खाना पीना तो सब हम ही ना करता था, सारा दोस्तों को तो हम ही तो खिलाता था। हो गया बात खत्म करना भाई, तेरे को क्या चाहिए, बात खत्म करना। गाली क्यों दे, इसमें गाली क्या है, तुम छोटा छोटा बात पे तुम पॉइंट निकाल के हमसे झगड़ा करेगा क्या? क्या कैमरा कर रहा है सब कुछ, तू कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा है? हाँ भाई तेरे को दिखाना पड़ेगा ना आदमी को, आदमी को दिखाना पड़ेगा ना कि बॉबी बर्मा कैसा लौंडा है। आ क्या सिंपति वाला गेम पे, वाह रे बेटा वाह, ये जो इंसान है ना गाइस, रिकॉर्ड बंद कर इसको, कैमरा बंद करना, कैमरा बंद कर भाई, तो कैमरा तो बंद करना उसका, कैमरा बंद करो ना, क्या नौटंकी तुम्हारा हो गया है, कैमरा कैमरा बंद करो, कैमरा हम बंद नहीं करेगा, बॉबी कैसा आदमी है सबको दिखना चाहिए ना भाई। हाँ भाई तो तुम कर सकता है, बदनामी तो कर सकता है, तो बदनामी इंसान तो बदनामी तो कर सकता है तुम, बॉबी तू ना जैसा दिखता है ना उतना है नहीं, ठीक है तेरा औकात दिखा दे, क्या दिखा दे, सबको मालूम है, गाली किसी दी अबे बॉबी, देखा बॉबी ऐसा ही है, बॉबी मैं बोल रहा, तेरे को हम भाई की तरह मानता था, तूने मेरे साथ क्या किया, तो इसको मैंने नेपाल नहीं ले गया बोल के, ये मेरे साथ ना पूरा घुसा घुसा, वाह मां का बॉबी, वाह कहीं नहीं जा पाएगा, क्या बोला तू, आज घर नहीं जाएगा, सीधे जाएगा शमशान घाट। मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, तेरे को भाई मानता था, हो गया थक गया, हो गया गाइस हम लोग थक गया, इंट्रो के लिए वीडियो उठाया, बता दीजिए आप लोग के लिए प्रैंक बनाना चाहता था, जो कि ये 200 रुपये से उठा के लाया था सिलगुड़ी से, एक्टिंग ही नहीं करवाया ज़्यादा, और हम लोग यहाँ पे पूरा थक गया है,
पानी चाहिए। जो भी बात बोला है किसी को सीरियसली मत लेना, बस हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं 200 रुपया देके। ये सारा का सारा प्रैंक था गाइस, आई एम सो सॉरी। हम लोगों ने ना बहुत ही ट्राई किया एक्टिंग करने का, बट नहीं हो पा रहा था। और हम लोग का आज घर जाना है, और मैं बोल रहा था ना लद्दाख, हम और बॉबी और एक हमारा कोलकाता का अमन भाई साथ में जा रहे। आज हम लोग जयगांव निकल रहे हैं ना बॉबी। गाइस देखो मार मार के क्या खलूत कर दिया मेरा। गाइस ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करो। एक्टिंग अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके जाना। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे। कल रात को ही हम जाने वाला था, बट आपका भाई का रॉक लामा का तबीयत फिर से पूरा का पूरा खराब, पूरा बीमार हो गया था, तो मैं नहीं सका, इसलिए हम लोग सुबह जा रहे हैं। और ये रहे हमारे मुन्ना भाई, रेडी हो? एकदम तबाही। और इसका ना आज 9 बजे को सुबह सुबह घर पे पूजा है, तो हम लोग को यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। हमारा बैग पैक वगैरह हो चुका है, और मेरा सामान ना कुछ ज्यादा ही भारी हो चुका है, और ये निंजा को ना मैंने ठेला गाड़ी बना दिया है। एंड या फाइनली होम कमिंग गाइस, फाइनली फाइनली बहुत ही 24 घंटे के लिए। और घर भी जा रहे हैं ना गाइस, पर घर जाके रहना देना नहीं है, ओनली फॉर 24 आवर्स के लिए है। उसके नेक्स्ट डे तो लद्दाख ट्रिप स्टार्ट। आज 5 तारीख है, कल होगा 6 तारीख, कल से राइड स्टार्ट भाई। 6 तारीख तब आई एम टू मच एक्साइटेड गाइस, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं पहले। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींदियां गिराते हैं। गाइस बारिश आना शुरू हो गया भाई, अरे भीग जाएंगे ऐसे तो। सुबह सुबह राइड करने का मजा ही अलग है भाई। और गाइस आपको पता है आपका भाई का बर्थडे आ रहा है, आप गेस करके कमेंट में बताना कि मेरा बर्थडे कब है, ठीक है? जब मैं घर पहुंचूंगा ना तब आपको मैं डेट रिवील कर दूंगा, और मेरे बर्थडे पे कौन कौन मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं मैं आपको ना घर जाके मेरा एड्रेस नंबर वगैरह सब वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है? ये देखो गाइस बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, पूरा का पूरा भीग चुके हैं हम लोग। और बारिश के बूंदे भी ऐसे आ रहा है ना कि मेरा शरीर पूरा दर्द कर रहा है बारिश के बूंदे से। ओए होए होए, और ये लेफ्ट साइड में देखो पूरा ग्रीन ही ग्रीन, कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना, सुबह सुबह ऐसे भीगने को मिल रहा है, अच्छी बात है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए होता है भाई। ये देखो गाइस पूरा का पूरा भीग गया भाई, ये देखो हालात खराब, और यहाँ पे तो धूप निकल रहा है। देखो मैं बोलता हूँ बॉबी तेरे को जब भी कि नहा के निकल, नहा के निकला कर। मुंह जल गया मेरा। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। ये मेरा 2 कितनी है, 1 कितनी इसको दे रहा हूँ गाइस। और बॉबी जा रहा है घर, इसका पूजा है, तो जा शाम को मिलते हैं, ठीक है? सो गाइस फाइनली आपको भाई पहुंच गया घर पे, अपने रॉकी को वहाँ पे रख दिया हूँ, और अभी मिलाते हैं हमारे पापा से। पहले तो पापा जी कैसे है? बस अच्छा है, तुम? एकदम हम भी ठीक ही है, बस तबीयत खराब है। और राइड कैसे हुआ? राइड एकदम, आप बताए कैसा हुआ वीडियो में, तो आप देख तो अच्छा लग रहा है, हमको तो अच्छा लगा। लेकिन तुम मुंह में ऐश लिया ना, उसी कह रहे थे तो हम ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में जाके भी चिल्ला चिल्ला के भीग गया था ना, तो इसीलिए तबीयत खराब है। और मम्मी जी कैसे? सिंपल खाना, टमाटर भी नहीं लगाएगा, तुम भिजते आए ना, बुखार भी आ रहा है ना, खाली आलू ऐसा ही प्याज लगा के भुटूंगा, टमाटर टमाटर कुछ नहीं लगाऊंगा। अभी गर्म पानी दिया और खाएंगे। नहीं नहीं, कैसे आप? बेटा आया, बहुत खुश हूँ, इसका वीडियो देखता था ना, मेरा सांस लगता था, ये सिक्किम में क्या बोला, मेरे से ज्यादा ना माँ मेरे से बहुत ही ज्यादा डरती है, लाइक वो जो रास्ता वगैरह देखा ना, मन साँची का ये हम लोग एडवेंचर कर रहे थे, और यहाँ पे हमारे माँ का दम घुट रहा था, देख रहे क्या सोचा है, ये जाना चाहिए था। हाँ जाना चाहिए था ना, अब तो कल फिर लद्दाख निकल रहे, कल सुबह सुबह इतना जल्दी क्यों, रहना चाहिए था। एक्चुअली मैं घर आके ना मैं रेस्ट करना चाहता था लाइक 1 वीक टाइप का, बट हमारे अभी टाइम शेड्यूल सब फिक्स हो गया है, तो कल निकलना ही है। तो क्या कहते हो, अब तो लद्दाख तो और भी ज्यादा एडवेंचरस होने वाला, मजा आएगा। मजा आएगा तुमको? हाँ, घर में बैठ के मर जाएगा, इसको बोलता है मजा आएगा। एक्चुअली माँ पसंद नहीं करता मैं ट्रेवल करूँ, पर क्या करेगा, इस करना पड़ेगा अब टूर भी। और माताजी हम ना पैसा सेविंग कर रहे हैं सुपर बाइक के लिए, अगर हमारे रॉकलामा फैमिली 1 मिलियन करा देगा ना, तो रातों रात सुपर बाइक डिलीवरी। ये भी हमारे लिए सुपर बाइक ही है, बट
अब रियल सुपर बाइक आने वाला है। मुस्तंग में तो नाम रखा है ना रॉकी। हाँ कैसा नाम? अच्छा है ना? रॉक और रॉकी ठीक है एकदम दोस्त है। और आप एक्साइटेड होगी नहीं आप सुपर बाइक के लिए? खुश होगे नहीं? खुश हूँ। तो अभी यही है, माँ खाना बने रहे, खाना खाएंगे उसके बाद अभी बॉबी से मिलने जाएंगे गाइस। और मुझे ना सब्सक्राइबर ने गिफ्ट दिया था जो मैं आपको दिखाऊंगा, रुकिए पहले इसको निकाल देता हूँ। ये जूता है, इसमें बहुत सारा जूता, ये अब लद्दाख के लिए लिया हूँ ना सब। ये रखो यहाँ पे, मैं जब सिक्किम गया था ना वहाँ पे मेरे को ना सब्सक्राइबर गिफ्ट दिया था। रुके ना खुलाते। आई होप कि इसका कांच ना टूटा, बिकॉज हमने इसको नीचे रख दिया था, जगह ही नहीं था रखने के लिए। अब देखते हैं, टूट गया। स्पेशल थैंक्स टू रॉक लामा फॉर विजिटिंग नॉर्थ सिक्किम। दिल से शुक्रिया। नॉर्थ सिक्किम में जो प्यार मिला है ना, मतलब क्या बताऊं। हम फिर आएंगे लद्दाख खत्म होने के बाद, मीटअप रखेंगे सिक्किम में। अभी ये जो टूटा है ना गाइस शीशा, इसको मैं रिकवर करूंगा कोई ना, पर जो भी हो खूबसूरत है। और यहाँ पे सीन क्या हुआ पता है, इस माँ जी ने ना एक छोटा सा बच्चा को डांट दिया था ना, वो पूरा सो गया ना। मम्मी क्या क्या बोला आपने? इधर में आके ये तो सब यहाँ छोटा छोटा बच्चा है ना, ये सब निकाल दिया थे ऐसा करके, और गाली दिया थोड़ा सा, हाथ धुआ के यहाँ सो जाओ बोला, वो भी गया। देखो ना ये देखो कितना क्यूट लग रहा है, ये देखो। माँ ने बोला था यहीं पे अभी सो, नहीं तो मैं फिर बोल के ये पूरा सो गया। आदित्य है इसका नाम। और गाइस छोटे में ना मैं ट्रेन देख के, ट्रेन में चढ़ने से बहुत ही खुश होता था, बट अभी ना भाई ट्रेन देख के, ट्रेन का साउंड सुन के ना भाई मेरे को बहुत ही बुरा लगता है भाई। यू नो तीन चार दिन पहले इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया ना उड़ीसा ट्रेन, लाइक क्या बताऊं यार, दिल बहला दे वाली न्यूज है भाई। जो उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट है गाइस, वहां पे 288 से भी ज्यादा का मौत हुआ है, और जितने सारे थे आधा उधर सेफ है, आधा इंजर्ड है। आई होप कि जितने भी सारे वहां पे फैमिली वगैरह है, जितने भी लोग है, भगवान करे सबको सेफली रिकवर कर दे और अच्छे रहे। और जितने भी सारे का डेथ हुआ है, रेस्ट इन पीस। बहुत ही ज्यादा बुरा लगा भाई वो चीज देख के ना, मतलब अचानक से भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है भाई। मतलब देख रहे हो एक पटरी का ट्रेन निकाल के दूसरे पटरी में जाके, मतलब तीन ट्रेन एक साथ एक्सीडेंट हो गया। पर उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा मेरे को क्या बुरा लगा पता है गाइस, मैंने वीडियो देखा था कल रात को, लाइक एक हॉल में ना गाइस पूरा डेड बॉडी है, और वहां पे ना एक अंकल जी लाइक पापा ना उसके बेटे को ढूंढ रहे थे कि मेरा बेटा कहाँ है। वो चीज देखकर ना मेरा कसम से दिल पूरा टूट गया। मतलब इतने डेड बॉडी के सामने ना पापा जी अपने बेटे को देख रहे थे, वैसे ही कितना सारा होगा बच्चा फैमिली, मतलब बहुत सारे लोग ना ट्रेवल कर रहे थे वो ट्रेन पे, अचानक से एक्सीडेंट। जितने भी सारे उड़ीसा ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है, सभी के आत्मा को शांति मिले, और जितने भी सारे अभी अच्छे है उसको जल्दी से रिकवर हो जाए, बस यही चाहता हूँ। साला एक्टिंग कैसे करना पड़ रहा है, कैमरा कौन? ये बिग बॉस बना रहा है। तेरे काम तेरे भाई मानता था। मुंह दिखा, मुंह दिखा, उठा मुंह दिखा, थंबनेल बनेगा।